रोल। क्या नाम है आपका? नाम रजय यादव। किस गांव के प्रधान हैं आप? ग्राम पंचायत मिर्जा। विकास खंड सैद। विकास योजनाओं के तहत आपने अपने गांव में कौन से किस तरह विकास किए? सर हमने इस कार्यकाल में सबसे पहले हमने जल निकासी की व्यवस्था की, 1 किलोमीटर कम से कम से ऊपर ज़्यादा ही हमने नाली बनवाए हैं और इंटरलॉकिंग का भी कार्य कराए हैं, सीसी का भी कार्य कराए हैं और मनरेगा के तहत भी मिट्टी कार्य जैसे मंडा भी कराए हैं, चटोर चकमार भी कराए हैं। मतलब इसके बाद भी पेंशन जैसे कि कार्यशाला पेंशन वेंशन भी मतलब करके करीब 70 के पेंशन भी कर रहे हैं, विधवाएँ भी। जनहित में सारे कार्य आपने करा दिए, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ आपकी तरफ से, जनहित में आपने सारे कार्य करा दिए, लेकिन ये बताइए आप। अभी करा पूर्ण नहीं हुआ है सर, अभी प्रयास चल रहा है बहुत से। क्यों नहीं पूर्ण हुआ है? चूंकि उतना बजट ग्राम पंचायत तो बजट का अभाव है, इतना बजट नहीं है कि 5 साल में ही कोई योजनाएं को संचित कर दिया जाएगा जी। ये योजनाएं निरंतर चलती रहेंगी ना, ये तो है नहीं कि नहीं 5 साल में ही सारा विकास हो जाएगा या 5 साल। बजट के अभाव में कार्य योजनाएं कुछ बाधित हो रहे हैं। हाँ, बजट के अभाव में बजट मिलता तो पूर्ण किया जाता, पूर्ण किया जाता। चूंकि जितना विकास कार्य के लिए जितना बजट चाहिए उतना बजट ग्राम पंचायत को उतना नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में और क्या विकास चाहते हैं गांव का? विकास सर वही कि मेन रूप से इसे बिजली की व्यवस्था सही हो जाए गांव ग्राम में, 24 घंटा या 22 घंटा बिजली मिलने लगे और सड़कें ठीक हो, ठीक ठाक से सड़क हो, बहुत से सड़कें अभी हैं जो गड्ढे की तरह हैं वो ठीक हो जाए, नाली की व्यवस्था अभी है, सीवर वर की व्यवस्था हो जाए, इससे ये सब संतुलित हो जाए, व्यवस्थित हो जाए तो विकास दिख रही है। विकास हो रहा है, ऐसे नहीं कि विकास नहीं हो रहा, कार्य हो रहा है, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हो रहा है। क्योंकि जनता भी सोचती है कि 5 साल में सारे कार्य पूरा हो जाए, ये तो संभव है नहीं कि 5 साल में सारे काम पूरे हो जाएंगे। समय विरोधी तो बड़ी शिकायत कर रहे हैं सर, वो तो सूचना जारी होने वाली है 2 महीने 4 महीने में, जब इसलिए विरोधी एक्टिव हैं, विरोधी एक्टिव हैं, वो तो कार्य योजनाएं भी पढ़ करके प्रधान लोग को जगह जगह बदनाम कर रहे हैं लोग कि नहीं इस पर पैसा उतर गया, इस योजना पैसा उतर गया, जहां हम लोग बैठे हैं जिस दरवाजे बैठ रहे हैं लोग कह रहे हैं इस रोड पर पैसा उतर गया आप जानते हैं, लेकिन वो गाँव जनता नहीं समझ पा रही है कि नहीं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। प्रधान जी आप जब से प्रधान हैं जी 15 से लेके अब तक पूरी बजट कितना लाख मिला होगा आपके गांव? सर वही करीब 8 लाख 7 लाख 10 लाख के हिसाब से 10 लाख के आसपास मिलती है हर साल। हाँ 10 लाख चारों सभी मदों से और मनरेगा के मतलब उसमें वो नहीं काउंट किया जाता है, इसमें 14वां राज्य वित्त जो होता है वो अलग होती है धनराशि से और मनरेगा से जो कार्य कराया था वो अलग। और जो कार्य योजना आप लोग बनाते हैं हर साल जी, जैसे इस बार आपने कार्य योजना कितना बना के दिया? सो इस साल कोरोना कम से कम 100 योजनाएं हमने दिया है। 100 योजनाओं की लगभग अनुमानित लागत बताइए? करीब वो करोड़ों में जाएगी, 1 करोड़ में जाएगी। अब मिलता कितना आप लोगों को? अब वही 10 लाख 12 लाख 8 लाख, मतलब 1 करोड़ की योजना बनाएंगे तो ग्राम पंचायत को 10 लाख मिलती है, यानी 10% निर्धारित है जनसंख्या के आधार पर, आबादी के अनुसार आधार पे वो धनराशि जो 14वें राज्य वित्त की जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है वो आबादी के अनुसार ही निर्धारित है। अच्छा, तो हमारे कार्य योजना बना देने से नहीं है कि नहीं वो इतना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि गाँव में जो जरूरी काम होगा इसलिए हम लोग अभी योजनाएँ उसमें डाल देते हैं, हम लोग पार्क को नाम ले लेते हैं कि जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको करा दिए जाएंगे, जो कार्य योजनाएँ बच जाती है कार्य कराने के बाद उसको फिर हम अगले वर्ष में उसको मुखिया निकाल कर मुखिया उसको एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। कि आपने खड़ंजा कितना रिपेयर कराया गाँव में? खड़ंजा सर इस सत्र में तो एक भी नहीं कराया, एक भी नहीं कराया इस सत्र में भी। डस्टबिन कितना लगवाए हैं? डस्टबिन भी वही ईंट द्वारा हम बनवाए थे,
अच्छा ईट द्वारा बनवाए थे और हैंडपम्प रिपोर्ट दस बारह कराया, सब चल रहा सफल है जी, सफल सब चल रहा ठीक। प्रधान द्वारा जो है सीसी सड़क बनवाया गया है जिसे आप देख सकते हैं और यह जो है बहुत उत्तम क्वालिटी का दिख रहा है। आप अपना नाम बताइए। मोतीलाल सिंह यादव। किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम समाज मिर्जापुर। मिर्जापुर जी। ब्लॉक सैदपुर। जिला? गाजीपुर। प्रधान जी के साथ खड़े हैं आप जी और ये सीसी सड़क प्रधान जी ही बनवाए हुए हैं जी। मॉडल प्राइमरी स्कूल मिर्जापुर सैदपुर गाजीपुर, यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ के हम हेडमास्टर हैं नहीं लेकिन। आप अपना नाम बताइए। हरि सिंह यादव। आप कहाँ के? प्रधानाध्यापक रिटायर्ड। कहाँ के रहने वाले? प्राइमरी पाठशाला कटघरा मिर्जापुर के रहने वाले। मिर्जापुर के रहने वाले हैं तो स्कूल का विकास तो अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ और अच्छा ही हो रहा है। प्रधान कौन है? रजय सिंह यादव। रजय सिंह यादव का कारोबार कैसा है? अच्छा है, बढ़िया काम कर रहे हैं ठीक। मिर्जापुर के प्रधान द्वारा बनवाया गया खंजा देखिए, अच्छी श्रेणी का बनवाया हुआ है प्रधान ने, जो कि गांव के जोड़ती है। इसी जगह प्राथमिक पाठशाला रजईपुर है।